औरत अगर ठान ले तो वो चांद तक भी पहुंच सकती है। ऐसी आज एक महिला हमारे साथ हैं जिनका नाम है दीपा मिश्राम जी, जिन्होंने शादी के बाद पीजेंट में पार्टिसिपेट करके अदा मिस इंडिया 2018-19 अपने नाम किया। तो आइए जानते हैं उनसे उनकी जर्नी के बारे में। तो स्वागत है मैम आपका हमारे शो में। थैंक यू सो मच मैम। मैं सबसे पहले आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहती हूँ कि आपकी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई। मेरी जर्नी एक्चुअली आफ्टर मैरिज मैंने ये सब स्टार्ट किया। शादी के पहले मैंने किसी पेजेंट में पार्टिसिपेट करने का नहीं सोचा था। शादी के बाद सबसे पहले मैंने मिसेस भोपाल के लिए अप्लाई किया था और उसमें मुझे कोई भी टाइटल नहीं मिला था। बस मैंने पार्टिसिपेट किया था, वही मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि मैं एटलीस्ट स्टेज को फेस कर पाई और वहाँ तक उतना कर पाई, वही मेरे लिए बहुत था। देन फिर धीरे धीरे फिर मैंने जब भिलाई शिफ्ट हुई तब भिलाई में वहाँ पर मिसेज स्टील सिटी क्वीन हो रहा था, तो मैंने सोचा कि उसमें एक बार पार्टिसिपेट करके देखा जाए। देन उसमें पार्टिसिपेट किया और मैं विनर रही मिसेज स्टील सिटी क्वीन। उसके बाद अदा मिसेज इंडिया का ऑफर आया, देन उसके लिए ऑडिशन दिया, ऑनलाइन ऑडिशन, तो उसमें भी मैं विनर रही। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम इतनी उपलब्धि के लिए। मैम शादी के बाद पीजेंट ज्वाइन करना, उसकी कुछ खास वजह? नहीं, ऐसी कोई खास वजह नहीं थी, क्योंकि जैसे ही मेरा एमकॉम हुआ, जस्ट एमकॉम के बाद मेरी मैरिज हो गई, तो उसके अलावा अलग से कुछ करने के लिए सोचा नहीं था कि हाँ अब करेंगे, शादी के पहले ही कर ले। जॉब का सोचा था पहले, भोपाल में मैं जॉब ही करती थी, फिर शादी भी मेरी भोपाल में हुई थी। देन ऐसा हुआ कि मेरे ब्रदर इन लॉ और उनकी वाइफ दोनों का एक्सीडेंट हो गया था। तो एक्सीडेंट में उनके दो बच्चे जो हैं वो बच गए और ब्रदर इन लॉ और उनकी वाइफ दोनों एक्सपायर हो गए थे एक्सीडेंट में, तो इस कारण से हमको भोपाल से भिलाई शिफ्ट होना पड़ा। देन वहाँ जब पहुँच के करीबन 9 साल हो गए हैं, अभी मैं छत्तीसगढ़ में ही हूँ और छत्तीसगढ़ में बहुत लोग जानते हैं मुझे, बिकॉज मिसेज इंडिया वहीं से मैंने जीता है। मैम शादी के बाद जब आपने बोला कि आपको पीजेंट करना है, तो आपके इन लॉज या आपके पेरेंट्स, उनके क्या एक्सप्रेशंस थे? वो मतलब ऐसा होता नहीं कि शादी के बाद अब क्यों करना है तुम्हें, तो उनके क्या रिएक्शंस थे आपके थ्रू? नहीं, एक्चुअली किसी ने भी मुझे इस तरह से डीमोटिवेट नहीं किया। मेरे पेरेंट्स ने सबसे ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया है यहाँ तक मेरी जर्नी जो हुई है, वहाँ तक इस विनर कैटेगरी तक पहुँचने में मेरे पेरेंट्स ने, मेरी मम्मी स्नेहलता फुसे, मेरे फादर मधुकर फुसे और मेरे भाई, दो भाई हैं संजय फुसे एंड अमित फुसे, तो इन सब ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और इतना मोटिवेट किया है कि मैं उनके ही सपोर्ट के कारण यहाँ तक पहुँची हूँ। उसके अलावा मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे सपोर्ट किया है। मैम आगे क्या आपके क्या प्लान्स है? अब आप इतने सारे टाइटल्स जीत चुके हैं, आपको इतने अवार्ड्स मिले, लाइक 10 से ज़्यादा अवार्ड्स तो मैंने ही पढ़े थे आपको जो मिले, तो व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? मूवीज़ के कभी कोई ऑफर आए या कभी कोई वेब सीरीज़? जी, वेब सीरीज़, मूवीज़, छत्तीसगढ़ी मूवी और बॉलीवुड मूवी के भी ऑफ़र है। कुछ डायरेक्टर है जो स्टोरी, मेरी स्टोरी को एक महिला के मूवी के लिए करना चाहते हैं, तो अभी मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है, मेरी तरफ से नहीं था, बट अब आगे सोचेंगे इस बारे में क्या करना है, क्योंकि बहुत सारे ऑफर्स हैं मूवी वगैरह के लिए, वेब सीरीज़ के लिए भी है, छत्तीसगढ़ मूवी के लिए भी है और बाकी बॉलीवुड के लिए भी है। मैम मैं जानना चाहूँगी कि इसके अलावा आप क्या करती हैं? और मैं वैसे डांस भी सिखाती हूँ, आई एम अ कथक डांस टीचर, और मैं कुछ गरीब बच्चियाँ जो फीस नहीं पे कर सकती है, पैसे देके नहीं सीख सकती है, उन्हें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ क्लासेस देके उन्हें डांस सिखाती हूँ, और गरीब बच्चों के साथ और जो अनाथ बच्चे होते हैं उनके साथ जाके क्वालिटी टाइम स्पेंड करती हूँ, और इस तरह से मैं समाज सेवा का भी कार्य करती हूँ। मैम आप कैसे मैनेज करती हैं घर और ये आपका जो प्रोफेशनल वर्क है, क्योंकि आपके बच्चे बच्ची भी है एक, तो उन सब मैनेज करने में कभी कोई प्रॉब्लम या कुछ?
हाँ, मेरी एक बेटी है और मेरे जेठ के दो बच्चे हैं, उनको भी मैं देखती हूँ, अच्छा और मेरे इन-लॉज हैं, वो भी मेरे साथ ही रहते हैं, सभी को देखते हुए। जैसे कि कहा जाता है कि औरत में इतनी शक्ति होती है कि वो हर चीज़ को मैनेज कर लेती है, घर को देखते हुए घर और बाहर सब कुछ मैनेज कर सकती है, औरत में वो काबिलियत है, जी क्योंकि पुरुष उतना नहीं कर सकते। पुरुष कर सकते हैं सब कुछ, मैं उनको बायकॉट नहीं करना चाहती, पर औरत घर बाहर दोनों संभाल लेती बहुत अच्छी तरह से, तो ऑब्वियसली वो चीज़ हम सभी में होती है। मैम, लास्ट में हम एक ऐसा मैसेज जो हमारी ऑडियंस हम लोगों को देख रही है उनके लिए चाहेंगे, आप क्या, यूथ हो भले, चाहे वो वुमेन हो, मैन हो, कोई भी हो जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं यही बोलना चाहूँगी कि स्ट्रगल करें, और सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सक्सेस हमें पूरी तरह से दिल से और पूरी तरह से मेहनत करके ही मिलती है। जैसे कि मैंने भी पूरी तरह से मेहनत करके कई महीनों की मेरी मेरा स्ट्रगल रहा था, उसके साथ मैंने सक्सेस अचीव किया है। उसी तरीके से कोई भी कर सकता है, अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। थैंक यू सो मच मैम, आपका इतना प्रीशियस टाइम हमें देने के लिए। थैंक यू। मैं दीपा मेश्राम, अदा मिसेस इंडिया क्लासिक 2018-19 एंड मिसेस स्टील सिटी क्वीन 2018, मैं महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। तो महिलाएं आगे बढ़े और खुद को पहचाने, और मैं चाहती हूँ कि ओह वुमनिया जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसे आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओ उमनिया, ओ उमनिया।